अनलॉक 3.0 गाइडलाइन जारी। देश में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद होगा, क्या है पूरी जानकारी जाने इस वीडियो में। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। अनलॉक 3 गाइडलाइन जारी। 5 अगस्त से खुलेंगे जिम, मेट्रो रेल सेवाएं रहेगी बंद। अनलॉक 3 में 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में। नई दिल्ली, गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री ने बुधवार को अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन को 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा और 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा। 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी, मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और बड़े समारोह पर रोक रहेगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल, निकाय और पंचायत स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम पूरे देश में लागू रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। यह जोन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए जाएंगे। इन सभी जगहों पर जरूरी गतिविधियां जारी रहेगा। स्वास्थ्य सेवा और जरूरी सामानों की आपूर्ति पर लगे लोगों के अलावा यहाँ किसी को भी बाहर से आने जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे राज्य में जाने के लिए जरूरी नहीं मंजूरी। एक से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्ति या सामानों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इनमें वह पड़ोसी देश भी शामिल है जिसे क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड के तहत मंजूरी मिली हुई है। सीमा पार करने के लिए किसी भी मंजूरी या फिर ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, घरेलू यात्री उड़ानों, दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की गतिविधि या फिर विदेश यात्रा करने के लिए तय किए गए लोग, विदेशों से भारतीय को निकालना या समुद्र की यात्रा करने वालों की आवाजाही मानक संचालन प्रक्रिया के हिसाब से जारी रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के या दूसरी बीमारी से पीड़ित गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस के खतरे की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो उपलब्ध करा सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।